अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए और इस बेल के आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट पाइए। हमारा एक सर्विंग स्पून 4 टेबल स्पून के बराबर है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक इंडियन घर। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं खीमा मसूर पुलाव। तो आए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक कटोरी अक्खी मसूर की दाल, 600 ग्राम चावल, आप चाहे तो बासमती चावल भी यूज़ कर सकते हैं, हमने कोलम चावल यूज़ किया है। 600 ग्राम चावल में मटन का खीमा हमने 300 ग्राम लिया है, हमने हड्डी भी इसमें यूज़ की, हड्डी का गोश्त, इससे टेस्ट और अच्छा लगेगा। अक्खी मसूर की दाल को हमने 1 घंटे भिगा के रखा है। 2 बड़ी प्याज, इसे हमने इस तरह काट लिया है। 2 मीडियम साइज टमाटर, 1/2 किलो दही, 250 ग्राम, 4 छोटे चम्मच भर का अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 छोटे चम्मच भर का लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच भर का धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच भर का गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, अक्खे गरम मसाले लिए हैं हमने, 1 चम्मच भर का जीरा, 5 लौंग, 5 काली मिर्च, दालचीनी, 3 तेज़पत्ते और 1 बड़ी इलायची। कोथमीर और पुदीने को हमने इस तरह बारीक काट लिया है। 5 उबले हुए अंडे, इसे हमने छील लिए हैं। आलू, ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको पसंद है तो आप इसे डालें और ना पसंद है तो ना डालें। आए बनाना शुरू करते हैं खीमा मसूर पुलाव। 3 बड़े चम्मच पतीली में हमने तेल डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे अक्खे गरम मसाले। तेल में अक्खे गरम मसाले को हम 10 से 20 सेकंड पका लेंगे और उसके बाद हम डालेंगे प्याज। प्याज को लाल होने तक पका लें। प्याज लाल हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 10 से 20 सेकंड इसे पका लें और अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। और इसे नरम होने दें। टमाटर नरम हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे खीमा और मसूर की दाल, दोनों को एक साथ डाल के पकाएंगे। इसे अच्छी तरह से मिलाएं और अब हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले डालें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और नमक। और अब इन सबको भी अच्छे तरह से मिलाएं। इसे 10 से 20 सेकंड अच्छी तरह से मिला लें। 20 सेकंड अच्छी तरह से भूनने के बाद मसालों का कच्चापन भी दूर हो गया है और तेल भी अच्छी तरह से छूट रहा है। अब हम इसमें डालेंगे कोथमीर और पुदीना और दही को भी साथ में मिला लें। इन सबको भी थोड़ा सा भून लें।
दो मिनट तक अच्छी तरह से भूनने के बाद हम इसमें आलू डाल देंगे। इसे आलू को भी अच्छी तरह से मिक्स करके अब हम इसमें डालेंगे पानी। अब हम इसमें डालेंगे 2.5 ग्लास पानी। आप अपने चावल के हिसाब से इसमें पानी डालें और इसे ढक कर थोड़ी देर उबाल आने दें। पानी में अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चावल। चावलों को अच्छी तरह से धोकर डालें। चावलों को अच्छी तरह से मिलाएं और इसे थोड़ा सा चख लें। अगर इसमें नमक कम हो तो वो डाल दें। चावलों का पानी सूखने के बाद हम इसे दम पर रख देंगे। पानी अच्छी तरह से सूख चुका है, अब हम इसे दम पर रख देंगे। अब इसे बारीक गैस पर दम होने दें, ढक के। 25 मिनट बाद हम इसे देख लेंगे। फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से दम हो चुका है, ये देखिए। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। सो फ्रेंड्स, तैयार है खीमा मसूर पुलाव। इसे हमने अंडों से गार्निश किया है। ये बहुत ही टेस्टी पुलाव बनता है फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।